तो गाइस ये देखो यार, मेरे सामने कौन खड़ा है? मेरे सामने खड़ा है लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बुल। ये देखो यार, इसकी नोज में कैसी रिंग लगा रखी है, क्या आर्मर पहन रखा है, इसकी आंखें भी लाल है। और इसके पीछे एक छोटा बुल खड़ा है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे तुम साइड में जाओगे तो एक और स्ट्रॉन्ग बुल खड़ा है, ये उसका छोटा भाई है। इसकी भी देखो नोज में कैसी रिंग है, इसने भी कितना तगड़ा आर्मर पहन रखा है। और तुम सोच रहे होगे कि फ्रैंकलिन भाई ये कहाँ पे आ गए यार, ये तुम कैसी जगह पे आ गए हो जहाँ पे इतने तगड़े तगड़े सांड है। तो गाइस यार, ये है लॉस सैंटोस की बुल और काउ फैमिली। ये देखो यार, यहाँ पे है ना, जब कोई ज्वाइन होता है तब एकदम कमजोर सा ऐसा काउ जैसा होता है, मैं कितने कमजोर हूँ। पर जैसे जैसे यार टाइम जाता है फैमिली में ट्रेनिंग करते, वैसे वैसे यहाँ पे है ना वो स्ट्रॉन्ग होते जाते और ऐसे खतरनाक है ना बुल्स में कन्वर्ट हो जाते। ये देखो यार, यहाँ की जो नॉर्मल गाय है ये भी कितनी ज्यादा तगड़ी है। यहाँ पे देखो, ये है ना ग्रैंडफादर बुल है जो इनकी फैमिली का पूरा हेड है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ जिससे मैं भी काउ फैमिली को ज्वाइन कर सकूँ, एक बहुत ज्यादा खतरनाक बुल बन सकूँ। तो गाइस देखो, तुम चाहते हो ना कि मैं भी काउ फैमिली ज्वाइन कर लूँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हेलो सर जी, हेलो यार, मैं यहाँ पे ना फैमिली ज्वाइन करना है। तो हमारी फैमिली ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि तू बचपन से काऊ नहीं है। सिर्फ जो बचपन से काऊ होता है वही हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्लीज यार। देखो यार, मुझे तुम्हें अंदर जाने देना पड़ेगा, मुझे वो है ना दादाजी से बात करनी है जो फैमिली के हेड है, वो पक्का मुझे है ना फैमिली ज्वाइन करने देंगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दे सकता। गाइस देखो यार, प्लीज यार, तुम इसको बोलो कि मुझे ये अंदर जाने दे। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन, देख अगर सब जन वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं तुझे दद्दू के पास जाने दूंगा। क्या अगर सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे दद्दू के पास जाने दोगे मुझे? हाँ हाँ, और कमेंट सेक्शन में काऊ की इमोजी भी डालनी पड़ेगी। गाइस देखो यार, तुम्हें पता है एंट्री लेने के रूल्स क्या होते हैं, तुम्हें जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में काऊ की इमोजी डालनी पड़ेगी। देखो तुम जल्दी से एक काम कर दो जिससे मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर बुल से मिलने जा सकूं। देखो यार, ये कितने ज्यादा डेंजरस लग रहे यार, पूरा खतरनाक, जिससे मैं भी एक छोटे सा बेबी काऊ बन जाऊं और फिर ऐसे अपग्रेड होते होते एक स्ट्रॉन्ग काऊ में यार, एक स्ट्रॉन्ग मिनोटॉर में अपग्रेड हो जाऊं। यहाँ पे देखो सर, ये कितनी खतरनाक खतरनाक काऊज है। अरे फ्रैंकलिन, कोई भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तेरे लिए, और ना ही कमेंट सेक्शन में काऊ की इमोजी आ रही है। अरे हाँ गाइस, ये तो बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है, तुम लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे, कमेंट सेक्शन में काऊ की इमोजी क्यों नहीं डाल रहे? यार तुम नहीं चाहते क्या कि मैं अपग्रेड हूँ? प्लीज गाइस यार, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में काऊ की इमोजी डाल दो। ये देखो यार, अरे बुल भैया ये देखो, मेरे फोन में झांक के देखो कितने सारे जनों ने वीडियो को लाइक किया। अरे पर 5000 लाइक्स तो हुए नहीं है। अरे हो जाएंगे, अभी बोला है ना। देखो यार, बहुत सारे इमोजी भी आ गए कमेंट सेक्शन में, और यार वीडियो को बहुत जनों ने लाइक भी कर दिया। प्लीज मुझे यहाँ पे अंदर आने दो। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे यहाँ पे है ना हमारे घर के अंदर तो घुसने देता हूँ, पर हमारी फैमिली में तुझे अडॉप्ट करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे कोई कोई बात नहीं, कोई गारंटी नहीं चाहिए मुझे। चलो गाइस यार, यहाँ पे आगे चलता हूँ, यहाँ पे मुझे एंट्री तो मिल गई है। अब यहाँ पे तगड़ी तगड़ी बैलों को देखने जाता हूँ यार। गाइस देखो, ये बुल्स तो कितनी ज्यादा खतरनाक है, ओ माय गॉड। और यहाँ पे देखो, ये वाली जो काऊ है ये भी कितनी ज्यादा अपग्रेड हो गया। ओए पास बताना, सिंगड़ों से उड़ा दूंगे। अरे तेरे तो सिंगड़े इतने छोटे छोटे, तू मुझे क्या उड़ाएगी। चलो यार, यहाँ पे दद्दू से बात करने जाओ, उससे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ। हेलो जी छोटे भाई, यार मुझे भी तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है। ओए मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। दूध है तेरे में इतनी शक्ति? अरे पता नहीं शक्ति है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। ये देखो यार, यहाँ पे इतनी सारी काउस भी है, और यहाँ पे देखो ये छोटी एक बेबी काऊ है, मुझे इसके जैसा बनना पड़ेगा पहले, तभी तो मैं काऊ फैमिली में आ पाऊंगा ना। हाँ मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अरे हाँ हाँ गाइस, कमजोर तो है ये लोग, पर चलो यार यहाँ पे जाते हैं ना। मैं यहाँ पे दद्दू से बात करता हूँ। हेलो दद्दू जी, कैसे यार? ओए फ्रैंकलिन पुत्र, यार तुझे यहाँ पे अंदर किसने आने दिया? मैंने सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे, सिर्फ काऊ और बुल्स को यहाँ पे अंदर आना अलाउड होता है। मैं तुझे किसी भी हाल में मेरे परिवार में नहीं अडॉप्ट करूंगा। अरे प्लीज ऐसा मत करो यार, यहाँ पे मेरे पास कोई तो तुम्हारे तरीका होगा कि तुम मुझे अपनी फैमिली ले लो। आए फ्रैंकलिन पुत्र, ना बोल दिया ना, नहीं लूंगा तुझे अपनी फैमिली में, तू एक काऊ नहीं, और मैं सिर्फ अपनी फैमिली में काऊस को अडॉप्ट करता हूँ। अरे यार ये तो देखो, काऊ वाले जो ग्रैंडफादर है तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। गाइस देखो, मुझे इनका भरोसा जीतना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा काऊ या अच्छा एक बुल बन सकता हूँ, तभी ये लोग है ना मुझे अपनी फैमिली में ना पार्टिसिपेट करने देंगे और अडॉप्ट करेंगे। गाइस एक काम करता हूँ, मैं इनको भी ऐसा बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, यहाँ पे इनकी गाय भैंसों को धो दूंगा, साफ कर दूंगा, इनको चारा चरा दूंगा, फिर यार ये लोग एक बार मुझे ट्रस्ट करने लगेंगे, फिर मैं उनसे वापस से पूछूंगा कि ये मुझे अपनी फैमिली में अडॉप्ट कर लेंगे क्या। थोड़े साल मैंने यहाँ पे मेहनत करी तो पक्का मुझे ग्रैंडफादर अपनी फैमिली में अडॉप्ट कर ही लेंगे। ठीक है यार, यही सही बात है, यही सही प्लान है। अरे ग्रैंडफादर सुनो। अरे फ्रैंकलिन ना बोल दिया ना, मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा फैमिली में तुझे। अरे ठीक है चलो, तुम फैमिली में मुझे अडॉप्ट नहीं करोगे, पर यार यहाँ पे मुझे एक छोटी मोटी नौकरी तो दे सकते हो ना। मैं यहाँ पे कुछ भी काम कर लूंगा, तुम्हारी गाय भैंसों को धुलाने का, नहलाने का, उनकी पॉटी साफ करना, उनको सुसू करवाना, उनको है ना घास चराने लेके जाना, मैं सब काम कर लूंगा। अरे पर तू ये सब काम क्यों करना चाहता है? ये तो छोटे मोटे काम है,
अरे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता यार, मैं ये कर लूंगा, मुझे ये है ना आप लोगों के आजू बाजू रह के सिर्फ चीजें सीखने मिल जाएगी, वही इनफ होगी। अरे क्या तू पक्का ऐसा करेगा ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हम लोग लोगों से, और यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा भी होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंसान आते हैं जो पूरे टाइम हमारी भैंसों को चुराने की कोशिश करते रहते। ये देख यहाँ पे शैतान लोग आते रहते। अरे इसकी तो सारी भैंसों को चुरा के मुझे मार्केट में बेच देना। अरे हाँ पप्पा चुरा लेते, जल्दी से बेच देंगे इसको, बाद में जाएगा। ऐसा ही करेंगे। अरे गाइस ये देखो बुरे लोग यहाँ पे है ना, इनके फार्म के कोने पे ही खड़े रहते जिससे ये कभी भी भैंसों को चुरा सके। अब ये देखो मुझे सिक्योरिटी का काम तो नहीं मिलेगा क्योंकि सिक्योरिटी का काम तो इनकी खतरनाक बैलों का है, पर यार कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिससे मैं इनका ट्रस्ट जीत लूं। ठीक है कोई बात नहीं यार, मुझे यहाँ पे काम दे दो, मैं ना एग्री करता हूँ, ये छोटे मोटे काम कर लूंगा। और ठीक है यार फ्रैंकलिन, तू छोटे मोटे काम करने के लिए एग्री करता है, तुझे मैं यहाँ पे नौकरी पे रख देता हूँ, जा पीछे जाके काम करना शुरू कर दे। ओके गाइस देखो अभी यहाँ पे ना मुझे कोई बहुत बड़ा ग्लैमरस काम नहीं मिला है, पर फिर भी यार छोटा मोटा काम तो मिल गया, यही इंपॉर्टेंट होता है। चलो यार मैं तो मेरे काम पे लगता हूँ यार, यहाँ पे ये भैंसों को मुझे सबसे पहले धोना है, अब यहाँ पे मेहनत करनी शुरू करते हैं, लेट्स गो। गाइस यार देखो यार मैं यहाँ पे काफी सालों से ना यहाँ पे फार्म पे काम कर रहा हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि फ्रैंकलिन भाई क्या हो गया यार। तो गाइस देखो यार यहाँ पे जब मेहनत करनी पड़ती है ना और आराम का खाने नहीं मिलता तो यार तुम्हारा शरीर एकदम घटी जाता है। देखो मैं इतने सालों से यहाँ पे फार्म पे मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं, यार 5-6 साल तो हो ही गए। देखो मेरा वजन काफी ज्यादा कम हो गया है, पर कोई बात नहीं गाइस, देखो किसी भी दिन अब यार मेरे को ऐसा भरोसा है कि यार ये जो ग्रैंडफादर दद्दू है ये मेरे पे भरोसा करने लगेंगे और यार मुझे कुछ भी हो जाए ये बुल फैमिली में ज्वाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग बुल तो बनना ही है। अरे ये देखो ग्रैंडफादर आ रहे हैं। अरे ये फ्रैंकलिन के बच्चे को मैंने कितनी बार बोल चुका है वो यहाँ पे कितने टाइम भी नौकरी कर ले, मैं इसको काऊ फैमिली में कभी अडॉप्ट नहीं करूंगा, बुल फैमिली में कभी अडॉप्ट नहीं करूंगा। और फ्रैंकलिन यार तू अभी क्या बात कर रहा था, मैंने सुन लिया है, तू यहाँ पे हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही कारण से नौकरी कर रहा है ना, क्योंकि तुझे भी एक स्ट्रॉन्ग काऊ बनना है। अरे हाँ बनना तो यार ये तो मैंने पहले से बता दी थी, मैंने तुझे बोल दिया है ना कि मैं तुझे कभी भी काऊ की फैमिली में नहीं लूंगा, तू यहाँ से दफा हो जा, तू हम में से कभी भी एक नहीं बन सकता, सिर्फ एक असली काऊ और असली बुल को ही हम अपनी फैमिली में रहते, तुझे पहले भी बोला था दफा हो जा यहाँ से। अरे पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और इतने सालों से मैं यहाँ पे इतने अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, तुमको अब तो मेरे पे ट्रस्ट हो गया ना कि मैं कोई नॉर्मल इंसान जैसा नहीं हूँ, मैं इन लोगों को गाय भैंसों को बेचना नहीं चाहता यार, गाय तो माता होती है, मुझे तो बस है ना काऊ की पावर चाहिए, बुल की पावर चाहिए। यहाँ पे देखो ये बड़े भैया जैसा स्ट्रॉन्ग खतरनाक बुल बनना यार मुझे, जिससे मैं भी सारी दूसरी काऊ की रक्षा कर पाऊँ। ओए नहीं नहीं मैं तुझे कभी मेरी फैमिली में नहीं लूंगा, यहाँ से दफा हो जा। अरे यार गाइस ये देखो ये क्या बोल रहे यार, इतने सालों साल मैंने यहाँ पे मेहनत करी उसके बाद भी यार है ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये लोग आखिर मेरे पे भरोसा क्यों नहीं करते यार, मैंने क्या कर दिया, इतने सालों से मजदूरी कर रहा हूँ, देखो कैसे टांगे वांगे सब सूख गई है मेरी। पर गाइस एक सेकंड यार देखो वो है ना ग्रैंडफादर की भी गलती नहीं है, बहुत सालों से है ना काउज और बुल्स पे अत्याचार हो रहा है, अब यार मुझे कुछ भी करके प्रूव तो करना ही पड़ेगा यार उन लोगों को कि यार मैं एक अच्छा ह्यूमन हूं, मैं उनकी फैमिली को सच्ची में ज्वाइन करना चाहता हूं, पर मैं ऐसा कैसे करूंगा मुझे समझ नहीं। चलो कोई बात नहीं यार मैं यहाँ पे छत पे चढ़ जाता हूँ यार, ये यहाँ पे से कुछ ना कुछ तो मुझे दिख ही जाएगा, एक बार दिख जाएगा ना फिर मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा। ये देखो कैसा कमजोर सा हो गया गाइस, मुझे तो खुद को देखना ही अच्छा ही लगता। चलो कोई बात नहीं यार मैं यहाँ पे से जाके देखता हूँ। एक सेकंड गाइस यार यहाँ पे देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तैयार है क्या? हाँ पापा तैयार हूँ, आज तो अपने सारे गायों भैंसों को चुरा के लेके जाएंगे, अपनी पूरी ट्रक भर के गाड़ियाँ लेके जाएंगे। अरे गाइस एक सेकंड, ये तो वही दोनों इंसान है जिसको जिस दिन है ना मैंने फैमिली ज्वाइन करी थी 5-6 साल पहले, उस दिन ना दद्दू और हल्क ने अपने काऊ फार्म से भगाया था। अरे हमको इतनी बार पहले भगा दिया ये है ना काऊ फैमिली ने, पर आज तो हम काऊ फैमिली को मजा चखा के रहेंगे, आज पूरी स्ट्रेटेजी बना के आया है कि कैसे काऊ फैमिली को बुद्धू बनाया जाए। देखे बच्चे तो रेडी है ना? अरे हाँ पापा रेडी हूँ। ये देखो यहाँ पे है ना अलग अलग काऊस को गार्ड करने के लिए अलग अलग लोगों को काम दे रखा है, यहाँ पे देखो ये सबसे सिंपल वाली काऊ है, इसको तो मैं मेरी बंदूक से ऐसे ही मार दूंगा, उसके बाद देखो ये बड़ा वाला काऊ है, इसको मारने में थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब ये वाला काऊ को भी मारने में काफी मेहनत लगेगी, और ये जो बड़े वाले भैया इनको मारने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, तो मतलब मेरे को 4 काऊ को बटाने के लिए 4 काम करने पड़ेंगे, पर देखो मैंने उनसे एकदम बढ़िया बढ़िया प्लानिंग कर ली है। ये देख बेटी मैं अलग अलग हथियार लेकर आया हूँ इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, देख सबसे पहले मैं पता क्या करूंगा। अरे पापा जी क्या करोगे? देख बेटी मैं यहाँ पे है ना बहुत सारे गोला बारूदों को हवा में उड़ा के फेंकूंगा, इसके लिए यहाँ पे इधर उधर एक्सप्लोजन की आवाज होगी, सब जगह बम फूटेंगे, सिक्योरिटी वालों को लगेगा कि कोई यहाँ पे हमला करना है, तो जब वो लोग यहाँ पे देखने आएंगे तब अपने पीछे के रास्ते से उनके काऊ के एरिया में घुस जाएंगे, ठीक है ना? हाँ पापा बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा बेटी तो समझ गई ना अपने को करना क्या है, चल तो तू उधर जाके रेडी हो जा, मैं यहाँ पे बम फोड़ूंगा, जब वो सिक्योरिटी गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाए तब तुझे है ना वहाँ पे जाके काऊ को चुरा के आना पड़ेगा। ओके पापा बिल्कुल रेडी हूँ मैं, चलो टपक टपक चलती हूँ यार, जल्दी से आज तो सारी काऊ को चुरा लेंगे और तुम्हें जाएगा।
अरे गाइस एक सेकंड, ये देखो ये क्या हो रहा है यार। यहाँ पे मैंने तो इन लोग की सारी प्लानिंग देख ली है, पर यार जो मेरे काउ भाई बहन है उनको तो इनकी प्लानिंग ही नहीं पता। ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर है ना यहाँ से ये लोग काउस को चुरा लेंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। रुको रुको गाइस, मैं यहाँ पे छत पे जाता हूँ, मुझे मेरी काउ फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। भले तूने मुझे अपनी फैमिली में से निकाल दिया, पर मैं एक भी मेरी काउ को चोरी नहीं दूंगा। चलो यहाँ पे गोला बारूद करना शुरू करता हूँ। ये देखो बम फड़ाके भोरे। अरे मैंने मेरी कदमों पे बम फोड़ दिया, कोई बात नहीं यहाँ पे ये तो करूंगा। ये देखो सब जगह बम डालूंगा। चलो इधर घास में छुप जाता हूँ, अब वो सिक्योरिटी वाले यहाँ पे आएंगे। वहाँ पे क्या हो रहा है, भड़ाके क्यों हो रहे है? इंसान हमारी गायों को चुराने आ गए क्या? जल्दी से जाके वहाँ पे देख कर आती हूँ। अरे गाइस नहीं 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 नहीं, ये देखो यार जैसा इन लोगों की प्लानिंग थी वैसा ही उन्हें लगा। देखो एक सिक्योरिटी वाली काउ तो उस तरफ जाने लगी। यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई इंसान होता तो मुझे दिख ही जाता। अरे चलो चलो जल्दी जल्दी चलती हो, वहाँ पे देखो यार ये सिक्योरिटी वाली काउ चली गई है। मैं यहाँ पे से जाके सारी काउ को चुरा लूंगी। बल्ले बल्ले शावा शावा, बहुत मजा आ जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं करने देता। ओए बच्ची रुक जा, मेरा बैट कहाँ गया यार? वो बैट किधर गया? रुको 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 रुको, बैट से पीटना पड़ेगा। बैट तो मुझे मिल नहीं रहा, ये डंडे से मारूंगा। ओए लड़की यहाँ से हट जा। अरे ये कौन आदमी आ गया? अरे तुमको तो फैमिली में से निकाल दिया गया था ना, तुम काउस को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? अरे मैं तो काउ को प्रोटेक्ट करूंगा। और गाय जी देखो कितनी बड़ी बंदूक लेकर आई थी, ये तो हमारी गायों को चोरी करने की कोशिश करेगी। ये ले टंडा खा, इसकी बंदूक मैं ले लेता हूँ गाइस। यार ये देखो कितनी शैतान लड़की थी। आए फ्रैंकलिन पुत्तर, ये क्या कर रहा है तू? तू फिर यहाँ पे घुसा है? अरे नहीं नहीं दद्दू अल्क, ये देखो यार यहाँ पे ना ये इंसानों ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्कीम करी थी। आए पुत्तर जी ये क्या हो गया, इसको किसको मार दिया तूने? अरे काउ दद्दू देखो यार, वहाँ पे ना इंसानों ने डिस्ट्रैक्शन करने के लिए ना वहाँ पे बहुत सारे बम फोड़े, और फिर यहाँ पे जो काउ सिक्योरिटी के लिए खड़ी रखी थी वो वहाँ पे चली गई, और ये पीछे से ना ये इंसान की बेटी यहाँ पे अपनी काउस चुराने आ गई थी, तो मैंने इसको रोका। आए पुत्तर जी पर तूने इसको क्यों रोका यार? तू तो हमारी फैमिली में भी नहीं है, तेरा क्या मतलब है कि हमारी काउस चोरी हो जाए और इनकी जान चली जाए? अरे नहीं नहीं भले तुमने मुझे ऑफिशियली फैमिली में अडॉप्ट नहीं किया, पर फिर भी यार मैं तो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। आए बस पुत्तर जी मुझे क्यों मार रहे हो? अरे दद्दू अल्क माफ कर दो, थोड़ा भावनाओं में बह गया था। आए पुत्तर जी तुम तो बहुत ज्यादा शरीफ निकले, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था। हाँ हाँ मुझे पता यार तुम गलत समझ रहे थे, पर कोई बात नहीं यार ये सब होता रहता है। मेरी गाय ठीक तो है ना? अरे ये देखो दद्दू हल्क यार ये काऊ आ गई, इससे बात पूछ लो, मैं सब कुछ सही बोल रहा हूँ। हाँ दद्दू हल्क फ्रैंकलिन एकदम सही बोल रहा है, अगर वो ना होता तो ये है ना छोटी बच्ची अपनी फैमिली की सारी गायों को चुरा लेती। आए पुत्तर जी कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं तुम्हारा? अरे नहीं नहीं दद्दू हल्क कोई बात नहीं यार, भले तुमने मुझे अडॉप्ट नहीं किया पर ये फैमिली तो मेरी है ना मेरी। टीका मार दिया इन्होंने, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ना हमको गाय चुराने मिली ना मेरी बेटी बची, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। कहाँ गया मेरा हथियार? कहाँ गया मेरा फायर आग लगाने वाला? ये देखो अभी मैं है ना सब चीज पे आग लगा दूंगा इनके खेत में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इनकी गाय भैंसे चुरानी नहीं है, मैं सब चीज खत्म कर दूंगा। पेट्रोल लेकर आया हूँ बहुत सारा, पेट्रोल से इनके बड़े कारखाने में आग लगा देता हूँ, इनकी गायों का सारा खाना नाश हो जाएगा ना, फिर इनको कोई नहीं बचा पाएगा, भूखे मरेंगे सारी गाय के बच्चे। ये देखो यहाँ पे पेट्रोल डालना शुरू कर देता हूँ। मेरी बेटी को मारा इन लोगों ने, भले हम गलत काम कर रहे थे पर हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। यहाँ पे इनके सारे चारे पे देखो पेट्रोल डाल दूंगा, एक मिनट में आग भभक के लपुक्का हो जाएगा। चलो 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 यहाँ पे देखो पेट्रोल लेकर आ गया हूँ, यहाँ पे मैं मेरी बंदूक लेता हूँ और इसको आग लगा दूंगा। चल आग पकड़, ये देखो आग पकड़ चुका है ये। अब इनका पूरा खेत जल के राख हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर, बहुत मजा आने वाला है। ये देखो इनके कारखाने में तो आग भी लग गई। ये देखो क्या हो रहा है, हमारे कारखाने में आग लग गई है, हमारा सारा खाना तबाह हो रहा है, कोई हमारी मदद करो। अरे एक सेकंड दद्दूल ये क्या हो जा रही है? आए पुत्तर जी वो क्या हो गया? अरे गाइस वहाँ देखो ये क्या हो गया? अरे रे 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 नहीं 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 गाइस ये देखो और यहाँ पे तो पूरा कारखाने में आग लग गई, यहाँ पे इतनी सारी गाय है, पहले मुझे गायों को बचाना पड़ेगा, इनको यहाँ से दूर लेके जाना पड़ेगा। ले टिक 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 जल्दी यहाँ से चलो। गाइस ये देखो सारी गायों का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, इसके लिए ये सब मेरे को फॉलो कर रही है, इनको मैं जल्दी से सेफ्टी के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ ये देखो सारी गायों को तो मैंने दूर कर दिया यहाँ से, पर भी आग कैसे बुझा? आए पत्थर जी कुछ भी करो प्लीज, ये आग बुझा दो। अरे गाइस ये तो बहुत बड़ी आग लगी है, रुको यार मुझे पता है मैं इसको कैसे बुझा सकता हूँ। यहाँ पे देखो पीछे की तरफ हमारी एक बड़ी वैन खड़ी है, ये वाली वैन का हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे है ना जब है ना गायों को पानी चाहिए तो उनको इससे पानी पिलाते, और तो और है ना यहाँ पे खेती
खेती बाड़ी के लिए भी पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखो यार, इसके ऊपर ये वाटर की गन है, मैं इसको यहाँ पे आगे लेके जाऊंगा और यहाँ पे इसके ऊपर पानी झड़ूंगा। हाय पुत्र जी, पर ये तो बहुत डेंजरस है यार, इसमें तो बहुत सारा पेट्रोल भरा हुआ है। अगर यार तुम्हारा है ना गाड़ी में आग लग गई तो तुम बचोगे नहीं। अरे मुझे पता है मैं बचूंगा नहीं, पर यार कुछ भी हो जाए मुझे अपने कारखाने को तो बचाना ही पड़ेगा ना। ये देखो यार, इसके ऊपर मैं है ना पूरा फुल स्पीड से पानी डाल रहा हूँ। हाय पुत्र जी, देखो यार थोड़ी थोड़ी आग तो बिछड़ रही यार। अरे हाँ हाँ मुझे पता यार, देखो इतना सारा पानी डाले जा रहा हूँ तो इवेंचुअली आग तो बुझ जाएगी ना। हाय पुत्र जी, यू कैन डू इट यार, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। हाँ हाँ गाइस, ये देखो यार यहाँ पे मैं आग डाल रहा हूँ आग को डाल रहा नहीं मतलब पानी डाल रहा हूँ आग के ऊपर, और ये देखो बुझ नहीं आई है। हाय पुत्र जी, हाँ बस ये बुझ ही चुके। यू कैन डू इट फ्रैंकलिन। ये देखो गाइस यार, यहाँ पे आग में से भी है ना कैसे मेरे को दिख रहा है। हाँ बस इसको थोड़ी देर और मुझे बुझाना है, थोड़ा सा और पानी लगेगा। एक बार थोड़ा और पानी लग गया तो पूछी जाएगी। और ये देखो गाइस, ये देखो कम हो रही है आग, और देखो 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 कम होती भी दिख रही है मुझे। अरे बुझ जा, अरे कम हो रही है। रुको थोड़ा सा और पास से जाके इसे पानी डालने दो। ओ गाइस, ये देखो यार मेरे आग में है ना पानी डालने का सारा काम हो गया। ये देखो यहाँ पे तो आग बुझ गई, और यहाँ पे हमारा ज्यादा खाना भी नहीं जला, कारखाना भी बच गया। हाय पुत्र जी, बहुत अच्छा काम किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं? अरे नहीं नहीं दद्दू अलग, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। ये काऊ मेरी फैमिली की है सारी, इनको बचाया मैंने, कुछ नहीं कि बड़ा काम किया यार, मैंने मेरी फैमिली वालों को बचाया। हाय पत्थर जी, मैंने तुम्हें कभी अपनी फैमिली में अडॉप्ट नहीं किया, तुम्हें कभी अपने जैसा नहीं माना, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हें देखो ऑफिशियली काउ फैमिली में अडॉप्ट करता हूँ। क्या तुम मुझे ऑफिशियली काउ फैमिली अडॉप्ट कर रहे हो? हाय पत्थर जी, हाँ ये देखो। अरे ये क्या किया? हाय पत्थर जी, ये देखो तुम हमारी फैमिली के सबसे छोटे बुल काउ बन चुके हो। अरे तुमने मुझे काउ से बदले बुली बना दिया। हाय पत्थर जी, तुमने इतने हीरोइक का काम किया, इसके लिए मैंने डायरेक्ट तुम्हें एक बुली बना दिया। अरे गाइस ये देखो, फाइनली यार मेरे सपने साकार हो रहे, मैं एक बुल बन चुका हूँ। ये देखो कितना डेंजरस लग रहा हूँ। हाय हाय, मेरे सींग देखो कितने खतरनाक है, मेरे पास इतना तगड़ा आर्मर आ गया है, मेरे पास पैर भी इतने तगड़े तगड़े हो गए। और ये देखो गाइस, तुम्हें पता ही होगा ना कि बुल के पास तो बहुत तेजी से दौड़ने की पावर होती है, तो ये देखो मैं कितनी ज्यादा स्पीड में दौड़ पा रहा हूँ। ओ और देखो मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरे पीछे गोल्डन गोल्डन लाइंस भी निकल रही है। हाय पत्थर जी, तुम्हारे पास एक बुल की सुपर स्पीड आ चुकी है, अब तुम बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ सकते हो, और तुम अगर किसी को भी स्पीड में टक्कर मारोगे तो वो चीज टूट जाएगी पूरी। अरे हाँ ये सही बात बोला गाइस, जो मेरे है ना बुल के हॉर्न से अथड़ाएगा वो पूरा टूट जाएगा। रुको यहाँ पे जाके कुछ चीज देखता हूँ जिसको मेरे को मारने को मिले। यार क्या संडे की छुट्टी है क्या, कोई भी नहीं मिल रहा। ये देखो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है। ओ गाइस, इसको तो मैंने क्या उड़ा के मारा। और ये देखो, ओए होए होए गाइस, यू मेस विद द बुल यू गेट द हॉर्न, जैसा बोलते हैं ना कि तुम बुल से थड़ाओगे तो उसको सींग में मारेंगे तुम्हें। ये देखो ये टहा और ये टहा, ये देखो इतना छोटा सा बुल होने के बावजूद भी मेरी स्पीड तो कितनी ज्यादा हैवी है। हाय पुत्र जी देखो यार, अभी तो तुम्हें और भी ज्यादा अपग्रेड होना है ना। अरे हाँ होना है और भी ज्यादा अपग्रेड होना है। हाय पुत्र जी, तो चलो यार मैं तुम्हारी मदद करूंगा सबसे ज्यादा लॉस सेंटोस के स्ट्रॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट बुल में कन्वर्ट होने के लिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे दत्तू अल्क? हाय पुत्र जी यस लेट्स गो। गाइस वैसे देखो यार तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो यार मैं मेरे बुल के है ना जो स्किल्स कितने खतरनाक यूज कर पा रहा हूँ, मेरे नाखूनों का कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वैसे ही मेरी लातों का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओहो, जब मेरे को मेरे सिंग यूज करने मिल जाएंगे और मैं एकदम मेरे बड़े भैया जितना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, तब तो कितना ज्यादा मजा आएगा। चलो चलो अभी तो अपग्रेड होने के लिए जाना है, लेट्स गो चलते हैं गाइस। ओके गाइस, तो ये देखो यार यहाँ पे क्या है। अरे गाइस ये देखो यार, यहाँ पे तो मेरे को है ना दद्दू काऊ ने बुलाया है, और यहाँ पे देखो कितने सारे रेड बुल के बड़े बड़े कैन लगे हुए। ये देखो यार, रेड बुल जो भी पीता है ना इंसानों में तो बहुत ताकत आ जाती है, पर जो बुल को रेड बुल को पीता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टॉलेस्ट हो जाता है। ये देखो यार यहाँ पे दो खतरनाक बुल्स भी है, और यहाँ पे तो एक नहीं चार चार इतने बड़े बड़े कैन पड़े मेरे दद्दू का। यार ये रे 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 दद्दू मैं आ गया। हाय पत्थर फ्रैंकलिन, तू सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया? अरे हाँ दद्दू क्यों बुलाया है, तुम अभी तक समझ ही गए होंगे, तुम बताओ तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। अरे हाँ हाँ दद्दू, देखो यार मुझे पता है मैं एक छोटा सा बुल हूँ, मतलब मेरी हाइट बहुत ज्यादा कम है, और तुम चाहते हो कि मैं ये सारे रेड बुल के कैन पी के खुद को बहुत ज्यादा बड़ा और टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बुल में कन्वर्ट कर लूँ। हाय पत्थर जी बिल्कुल सही पकड़े यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। अरे हाँ हाँ गाइस, देखो मुझे पता ही था यार कि ये ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे देखो चार जगह पे चार रेड बुल के बड़े बड़े इतने कैन रखे हुए, और ये कैन को है ना अगर मैं पी लूंगा तो मुझे ये इनके बुल के अंदर की ताकत मिल जाएगी, और फिर मैं भी है ना मेरे दद्दू जैसा टॉल और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। हाय पत्थर जी हाँ, टॉल और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, और अगर तुम ये वाला है सारे कैनों को पी लोगे तो उसके बाद मैं तुम एक दूसरे कॉम्पिटिशन में लेके चला जाऊंगा, वहाँ पे तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ओहो क्या बात कर रहे हो, और भी ज्यादा टॉल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यार यही सब तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में। अभी गाइस देखो, तुम देख सकते हो मेरी हाइट बहुत छोटी है, मतलब मेरा टॉल मीटर एकदम खाली है, पर यार मैं अपने टॉल मीटर को फुल करके रहूंगा यार इवेंचुअली। चलो गाइस चलते हैं यार यहाँ पे पहला रेड बुल का कैन पीने के लिए।
हाय पत्थर जी, ध्यान रखना यार, ये रेडबुल की कैन के पीछे बहुत लोग पड़े। अरे हाँ हाँ, मेरे को कोई चिंता नहीं, चलो चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ। ये फ्रैंकलिन के बच्चे को लग रहा है मेरी बेटी को मार के मेरे को इससे पीछा छुड़ा लेगा ये। नहीं 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 फ्रैंकलिन, तुम इसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। कहाँ जाग भाग के जा रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे दाल रोटी कच्चे, मेरे जिंदा जिंदा होते हुए रेडबुल का कैन नहीं पी सकता। अरे तुम कौन हो यार, साइड पे सड़ जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, मेरी आंखें एकदम लाल हो रही है, मुझे मेरी रेडबुल चाहिए। अगर तुम ज्यादा बीच में आए ना तो ठोक दूंगा भाई, यहाँ पे मेरे नाखून वाखून बहुत तेज है। अरे तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, ये देख मैं कैसे हथियार लेकर आया हूँ। ये भैंसों को मारने के लिए हथियार स्पेशली यूज किया जाता था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए आज तू आगे नहीं जा रहा है। ओ गाइस, ये इंसान को लग रहा है कि ये एक बुल से पंगा ले सकता है, रुक जाओ मुझे इसको मजा चखाना पड़ेगा। इधर आओ, इधर आ फ्रैंकलिन के बच्चे, ये खा। अरे क्या बड़ी बात करो, ये ले। अरे तेरा बहुत ज्यादा हो गया, ये ले। अरे ये क्या किया, अरे बाबा जी कहाँ उड़ा के फेंक दिया। ये खतरनाक मेरा हथियार है, तू बचेगा नहीं। अरे गाइस क्या करूं मैं, ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, ये फार्मर तो कैसा हथियार लेकर है। अरे बाप रे ये क्या कर रहा है। फ्रैंकलिन के बच्चे दाल रोटी कच्चे, तेरा आर्मर तुझे अभी बचा रहा है पर तुझे बहुत देर तक बचा नहीं पाएगा, ये ले ये खा ये खा। ओए पत्थर जी क्या हो रहा है ये। अरे ये पता नहीं, देखो यार ये है ना काउबॉय मेरे से लड़ने आ गया है, ये देखो मेरी कैसियर धुलाई लगा रहा है यहाँ पे, तब तू अलग बचाओ मुझे। ओए पत्थर जी, अगर तुम एक काउबॉय से भी अकेले नहीं लड़ सकते तो तुम यार ये बुल की पावर डिजर्व नहीं करते। ये ले और ये ले और ये भी ले। चुप जा। अरे मेरा अटैक से तू बच रहा है पर बहुत देर तक नहीं बच पाएगा। अरे भाग का रहा है, डर गया क्या इधर। अरे भाग नहीं रहा मैं तो, बस मेरा अटैक के लिए रेडी करो, ये ले। छोड़ूंगा नहीं, ये ले गोलियां भी खा। अरे गाइस ये तो बंदूक निकाल लिया, आई आई इससे बचना पड़ेगा। आए पत्थर जी यू कैन डू इट, हरा दो इसे, तुम्हारा आर्मर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। आई ये ले आई तेरी ऐसी तैसी, ये लात खा। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा, तू इतने जोर से कैसे मार रहा मुझे। अरे गाइस ये देखो इससे लड़ाई करने के बाद लगता है मेरे अंदर की भूल के अंदर की पावर जाग चुकी है, मैं इसको कैसे धुलाई ना करूं। ये ले ये भी खा। अरे बाबा रे बहुत जोर से मारो फ्रैंकलिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ हाँ तू छोड़ना नहीं अपने घर पे, ये देखो गाइस अभी तो इसको बहुत ज्यादा तेज मार दिया। चलो ये रेड बिल का पहला कैन पीने चल जाता हूँ। ओ नम 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 नम। ओ गाइस ये देखो मैं तो एक फुल साइज का बुल बन चुका हूँ, मेरे पास भले ही अभी है ना फॉर्म चेंज नहीं हुआ पर मेरा टॉल मीटर अपग्रेड हो गया और मेरी हाइट बढ़ चुकी है। चलो नेक्स्ट रेड बुल के कैन की तरफ चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे ने मेरे को हरा दिया पर इसको पता नहीं है कि मैं अभी भी हारा नहीं हूँ, ये दूसरा वाला कैन पिएगा, उससे पहले मैं इस पे हमला कर दूंगा। ये देखो मेरा मिसाइल लॉन्चर, देखते ना मिसाइल लॉन्चर के आगे कैसे टिकते फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे दाल रोटी कच्चे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे ये क्या कर रहा है, अरे गाइस ये तो पूरा रॉकेट लॉन्चर लेकर आ गया। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे गाइस ये तो रॉकेट पे रॉकेट मारी जा रहा है, अरे बाप रे ये क्या कर रहा है भाई, इससे कैसे पंगा लूं मैं। अरे फ्रैंकलिन तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे को कुश्तीबाजी में हरा दिया पर रॉकेट बाजी में नहीं हरा पाएगा। आइए गाइस रुको रुको, ये ढलांग के पीछे छुप जाता हूं यार, यहां पे तो छुप पाऊंगा कि मुझे रहा रॉकेट मार देगा। नहीं नहीं यहां तो रॉकेट नहीं मार पा रहा, रुको गाइस यार मेरे को लेटना पड़ेगा। अरे बाप रे, अरे हां हां लेट गया अभी तो रॉकेट नहीं मार पा रहा, पर गाइस मैं इसको हराऊं कैसे। आए पत्थर जी कुछ भी करके तुम्हें इसको हराना ही पड़ेगा वरना ये रॉकेट से तुम्हें पक्का मार देगा। अरे हां पक्का मार देगा, रुको यार मैं खड़ा होता हूं यहां से भागने की कोशिश करता। अरे फ्रैंकलिन तो किधर भी भाग, मैं तुझे सब जगह देख लूंगा, सब जगह तेरी मंडी पे रॉकेट मारूंगा मैं। अरे नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता, चलो चलो गाइस एक काम करता हूँ यहाँ पे ना फेंस के भी छुप जाता हूँ। अरे तो फेंस उड़ा दी। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे कहाँ भाग के जाएगा, ये लो एक रॉकेट खा। अरे नहीं 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 चलो 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 यहाँ पे साइड में छुप जाता हूँ, यहाँ पे कवर अच्छा है। अरे बाप रे, अरे कवर के चक्कर में अभी है ना पूरा पोपट जाता है फ्रैंकलिन ये लो। अरे गाइस इसने तो है ना वहाँ पे उस पे कोने पे मारा, उसके कारण मुझे भी लग गए। नहीं 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 अरे बाप रे एक और रॉकेट लग गया, गाइस इतने रॉकेट से नहीं कर सकता भाई, एक बोली हो मेरा आर्मर पूरा टूटने को आया है। रुको रुको गाइस मुझे कुछ भी करके है ना इसको है ना ऐसे कुछ करवाना पड़ेगा जिससे खुद के ऊपर रॉकेट मार दे। रुको 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 गाइस मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, ये देखो मैं हवा में कूदता हूँ, ये हवा में निशाने लगा पाएगा। अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ पे तू इधर आ। अरे मेरे आजू बाजू मत घूम, मैं डरता नहीं हूँ रॉकेट से, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे नहीं 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 गाइस देखो मैं इसके बाजू में खड़ा हो जाता हूँ, देखो यार मैं तो एक रॉकेट सहन कर सकता हूँ, ये नहीं कर पाएगा ये देखो। अरे पापा दे मैंने खुद को ही रॉकेट मार लिया। देखो गाइस बोला था ना कि मैं तो एक रॉकेट
की मार सहन कर सकता हूँ पर ये नहीं कर सकता। डब्बू बच्चे ला तेरा रॉकेट लॉन्चर मुझे लाके दे यार। ये देखो गाइस मैंने रॉकेट लॉन्चर ले लिया। अरे कांगया रॉकेट लॉन्चर यार, ये रहा देखो एक आरपीजी का रॉकेट है मेरे पास। सर चलो मुझे आरपीजी के रॉकेट से तो कुछ काम नहीं है अभी, मेरे को तो ये रेडबुल का कैन पीना है। जल्दी से इसको पीता हूँ। नम 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 नम। हाँ गाइस देखो एकदम स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। चलो यार ये मुझे वापस से परेशान करना है, उससे पहले मैं दौड़ के आखिरी कैन की तरफ भी चला जाता हूँ। फ्रैंकलिन के बच्चे को लग रहा है ये मेरे से बच गया, पर नहीं देखो मैंने तो सेटिंग पे सेटिंग कर रखी है, मैं इसको अभी तक नहीं मार पाया। इसके लिए मैं ये टैंक भी लेकर आ गया हूँ, टैंक से तो पक्का इसको छोड़ूंगा नहीं। ये देखो मेरा राइनो टैंक है, इसकी जो टैंक है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी ये देखो ये टैंक को मैं अपग्रेड कर देता हूँ जिससे ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये देखो मैंने मेरे टैंक के पल्ले से लगा दिया। फ्रैंकलिन मैं तुझे टैंक से कुचल दूंगा, तू बचेगा नहीं। अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये क्रेजी आदमी तो टैंक लेकर आ गया मेरे पीछे। तू बचने नहीं वाला फ्रैंकलिन, छोड़ूंगा नहीं, तेरी गोलियों का मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। ये ले गाइस देखो मेरे पास एक रॉकेट था वो भी मैंने इसको मार दिया, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये वाला तू कैन कभी भी नहीं पी पाएगा, मैं ध्यान रखूंगा तेरा। आई आई ओ गाइस ये तो पूरा टैंक लेकर आ गया। अरे फ्रैंकलिन भाग क्यों रहा है, इधर आ मैं तुझे कुचल दूं टैंक के नीचे। अरे गाइस मैं टैंक से कैसे लड़ाई करूं, इतना बड़ा टैंक है, ये तो देखो मेरे पीछे घुस गया। तो दुअल्क बचाओ। आए पुत्र जी तुम यार एक बहुत ज्यादा खतरनाक बुल बनना चाहते हो ना और एक टैंक से लड़ रहे हो। अरे टैंक से तो डरूंगा ही ना यार, ये देखो जरी कितना डेंजरस है। रुको रुको शार्प टर्न मार के इसके पीछे छुड़ाने का टाइम है। अरे तो कुछ भी कर ले पीछे नहीं छुड़ा पाएगा, मैं जब चाहूं तब तुझे रॉकेट मार के फिनिश कर सकता हूं, पर मैं तुझे कुचल के ही मारूंगा। अरे नहीं 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 गाइस ये देखो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अरे अंकल जी बचा लो यार प्लीज मुझे बचा लो। अरे हम कैसे बचा ले, इतना बड़ा टैंक तेरे पीछे घुस गया है। तू तो मरने वाला है। इनको भी पता है तू मरने वाला है फ्रैंकलिन। रुको रुको गाइस मैं जल्दी से गाड़ी में लेके भागता हूँ। अरे तू गाड़ी में जल्दी तेज तेज मत भाग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे कहाँ भाग गया फ्रैंकलिन, कहाँ भाग गया। अरे रुक जा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस रुको ये देखो यहाँ पे भी आ गया। अरे इधर आ तो मैं तुझे लेजर से मारूंगा। अरे नहीं लेजर से नहीं मारना। गाइस देखो यार ये मुझे टैंक से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा जिससे ना मुझे टाइम मिले कि मेरे हथियार वतियार चेक करूं। ये देखो मैं यहाँ पे घूम घूल के आ गया। अरे ये तो इधर भी आ गया यार। ओए रुको 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 यहाँ पे साइकिल तो उतरना पड़ेगा और ये इस तरफ जाना पड़ेगा। अरे भाग मत मुझे तुझे कुचलना है फ्रैंकलिन के बच्चे, इधर आ। ओ रुको रुको वो उधर आ रहा है। गाइस ये देखो मेरे पास कहाँ पे क्या हथियार है। ओ ये वाला रॉकेट लॉन्चर है, ये वाले रॉकेट लॉन्चर से पक्का टैंक फोड़ सकते होंगे। ये देखो कहाँ पे वो। अरे तू बचेगा नहीं फ्रैंकलिन, मैं आ रहा हूँ तुझे मारने के लिए। अरे हाँ मारने के लिए आ रहा है मुझे पता है। कहाँ पे इसका टैंक दिख रहा है क्या गाइस तुम्हें। ओ रुको 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 वो रहा इसके ऊपर हमला करना है मुझे। ये ले कुछ नहीं होगा तेरे को, मेरा टैंक बहुत स्ट्रांग है। ये ले इधर आते बचेगा नहीं, तुझे कुचल के ही जाऊंगा मैं। अरे नहीं 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 फूटेगा टैंक फूटेगा सर। ये देखो टारगेट लॉक हो गया, ये रेड हो गया। अरे अब मुझे गुस्सा आ रहा है तेरे पर, तूने मेरे पर बहुत सारे रॉकेट मार दिए। इधर आ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गाइस इसका टाइम आ गया, बस ये रॉकेट एक बार और रेड हो जाए। ये ले अरे ये देखो गाइस इसका आर्मर बहुत ज्यादा तगड़ा है। ये देखो ये रहा। अरे मेरी तो ड्राइविंग सिस्टम खराब हो रही है फ्रैंकलिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ पर वापस आऊंगा। अरे नहीं 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 तुम कहीं जा रहे। ये देखो गाइस ये तो यहाँ से डर के भागने की कोशिश कर रहा है। ये लो ओके गाइस आई थिंक यार ये है ना अभी चला गया यहाँ से। चलो यार ये जितनी देर गया है ना मैं जल्दी से जाके है ना मेरा रेडबुल का कैन पी लेता। आए पुत्र जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो वापस आने वाला है। अरे हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है पर कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। ये देखो ये रहा मेरा रेडबुल का कैन, जल्दी से इसको पीता हूँ। नम 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 नम। ओ गाइस देखो हो गया। चलो यार देखो वो पागल आदमी अपना टैंक वापस लेकर आया ना, उससे पहले मुझे जल्दी से नेक्स्ट कैन पी लेना। अरे फ्रैंकलिन हेलो दोस्त, मुझे मिस किया क्या, मैं फिर से आ चुका हूँ। अरे तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ले एक और रॉकेट का। ये ला देखा कुचल दिया मैंने है। आओ जाओ चल गाइस ने मुझे थोड़ा सा कुचल दिया। रुको 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 ये रिवर्स मारेगा उत्तर टर्न है मेरे पास, जल्दी लॉक हो जा। ये देखो इसको मार दिया। ए फ्रैंकलिन तेरा ज्यादा हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डैमेज लग रहा है अब। गाइस रुको यार इसको तो मेरे को फिनिश करना ही पड़ेगा। ये देखो ये ले और ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे ये क्या कर दिया फ्रैंकलिन, तूने तो मेरा पूरा टैंक ही तबाह कर दिया।
तू तो बहुत ज्यादा बुरा लड़का है। अरे मैं बुरा लड़का नहीं हूँ यार, तुम बुरे हो। ये देखो गाइस, मैंने बहुत सारे रॉकेट मार के फाइनली उसका टैंक फोड़ दिया। चलो यार ये कैन की तरफ जाते। अरे ये कैन तो लीक हो रहा है, रेड बुल वेस्ट हो रही है। और फायर डिपार्टमेंट, यहाँ पे किसने आग लगा दी। अरे तुम लोग उसको बुझाओ, मैं मेरी रेड बुल की कैन को पी रहा हूँ। जल्दी से इसको पी ले तो गर गाइस होना सारा वेस्ट हो जाएगा। हाँ पुत्र जी, हाँ ये वेस्ट हो रहा है, जल्दी इसको पी जाओ। यार देखो क्या कर रहे हो तुम। नम 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 नम। एक सेकंड गाइस, ये देखो। हाय पत्थर जी, तुम फाइनली अपग्रेड हो गए। अरे गाइस ये देखो यार, अजीबो शान चेंचा, मैं फाइनली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बुल बन चुका हूँ। ये देखो मेरा आर्मर, मेरी नोज रिंग, मेरी आंखें, कितना ज्यादा डेंजरस लग रहा हूँ ना मैं। और गाइस देखो, मेरी बुल की सुपर स्पीड तो मेरे पास अभी भी है। ये देखो, ओ माय गॉड गाइस, देखते यार अभी मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। अभी गाइस मैं 5-स्टार पुलिस से सामना करूंगा और देखते क्या कर पाते हैं वो लोग मेरे सामने। आएगी आएगी पुलिस आएगी। हाय पत्थर जी, जल्दी से तुम अपनी पावर टेस्ट कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जितने स्ट्रांग हो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ। क्या अभी स्ट्रांग हो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ? ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो नहीं मानता ऐसा पॉसिबल है। हाय पत्थर जी, है पॉसिबल है यार, मैं हूँ तो सब कुछ मुमकिन है। ये देखो यार, तुम अपने हाथों और पैरों का कितना खतरनाक इस्तेमाल अभी से करने सीख गए हो। अरे हाँ ये देखो गाइस यार, ये है ना मेरे को परेशान कर रहा है। ये ले तेरी ऐसी तैसी, यू मेस विद द बुल यू गेट द हॉर्न्स। कहाँ पे ये इंसान, ये ले। अरे हाँ पर तुम बोले थे कि तुम मुझे दद्दुअल को और भी अपग्रेड कर सकते हो। हाय पत्थर जी, हाँ और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। अब तुम एक स्ट्रांग बुल बन चुके हो ना, तो मैं तुम्हें बुल फैमिली के कंपटीशन में लेके जा सकता हूँ। गाइस देखो, जब वीडियो स्टार्ट हुआ तब तो है ना मेरे को एक काऊ भी बनने को नहीं मिल रहा था, और अभी देखो मैं तो एक बुल फैमिली में बन चुका हूँ यार। ये देखो यार कैसे मेरे हथियार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई भी नहीं बचेगा, ये ले। हाय पत्थर जी, खेल खाल कर लिया तुमने, अपनी नई पावर टेस्ट कर ली? अरे हाँ कर ली। चलो यार, जो दद्दुअल कॉम्पिटिशन बचाने थे ना उसी पे तरफ चलते है। ये देखो इनको तो मैंने हवा में उड़ा दिया मेरी सुपर पावर से। हाय पत्थर जी, बस बहुत मस्ती हो गई, चलो चलो जल्दी से वो वाले कंपटीशन की तरफ चलो, अब वही तुम्हें पार करवा सकता है। हाँ हाँ चलो गाइस, देखो यार यहाँ पे है ना कितनी भी मस्ती कर लूँ कम ही पड़ेगी, तो जल्दी से दद्दुअल जो कंपटीशन बोल रहे उसकी तरफ चलते हैं। तो गाइस देखो, मैं तुम्हें एक ही चीज बोलना चाहूंगा, तुम्हें ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और यार कमेंट सेक्शन में काऊ की तुमने अभी तक इमोजी नहीं डाल रही तो क्या कर रहे हो गाइस? आप डालोगे काऊ की इमोजी? जल्दी जल्दी से काऊ की इमोजी डालो कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करो। देखो इतने खतरनाक मैं काऊ का वीडियो लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। तो चलो यार चलते हैं अपग्रेड होने वाले कंपटीशन में, लेट्स गो। तो गाइस ये देखो यार, मैं फाइनली उस कंपटीशन में आ गया हूं जहां पे हम लोग जीत के ना ग्रैंडफादर काऊ तक अपग्रेड हो सकते हैं। यहां पे देखो मेरे सारे भाई भी आ गए, जो लोग अभी तक अपग्रेड नहीं हो पाए यहां पे मेरे ग्रैंडफादर है। और एक सेकंड, यहां पे कंपटीशन में कौन पार्ट कर लेना है? फ्रैंकलिन चाचा, क्या लगा था तो हम लोग उसे पीछा छोड़ के चला जाएगा? नहीं चला पाएगा। अरे हां मेरे को भी बहुत बड़ा डर फ्रैंकलिन, मैं तुमने मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे इन लोगों को यहां पे क्यों लेकर आ गए दद्दुअल? यार ये क्या यार, अपने तो इन लोगों से लड़ाई कर रहे थे अभी तक। हाय पुत्र जी, यार इन लोगों ने बोला कि यार ये लोग अब से ना काऊ को कभी नहीं चुराएंगे, इसके लिए मैंने इनको फैमिली में अडॉप्ट कर लिया अपनी, जिससे ये लोग भी अपग्रेड होकर खुद काऊ बन पाए, जिससे गलत काम करना बंद कर देंगे। अरे क्या बोल रहे हो, तुमने इनको फैमिली में अडॉप्ट कर लिया? भाई मेरे को अडॉप्ट करने में तुमने इतने नखरे करे थे, इतनी मेहनत करवाई थी मेरे को 5-6 साल नौकरी करनी पड़ी, उसके बाद भी तुमने मुझे फैमिली में से निकाल दिया। और उसके बाद है ना जब मैंने है ना फाइनली अपनी जान का खतरा लेके अपनी काउस को बचाया, तब तो तुमने मुझे फैमिली में अडॉप्ट किया। ये लोगों ने है ना मेरे पे अटैक किया, मेरे को मारा, काउस को मारने की कोशिश करी, फिर भी तुमने फैमिली में ले लिया। हाय पुत्र जी, यार मैं समझ चुका हूँ कि इंसान चेंज हो सकते हैं, तुम भी तो चेंज हुए ना, तुमको भी तो मैंने एक अच्छी काऊ में अपग्रेड किया ना, एक स्ट्रांग बुल में अपग्रेड किया ना। अरे हाँ बात तो सही है, चलो ठीक है गाइस, अब मैं सेकंड मौका इनको देने से कैसे ना बोल सकता जब दद्दू हल्के ने ना मुझे सेकंड मौका दिया। तो चलो ठीक है, बताओ यार हमको अपग्रेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाय पत्थर जी, देखो यार यहाँ पे तुम पांचों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, ये वाला काऊ का कोर्स खेलने की, तुम्हें यहाँ पे एंड में दिख ही रहा होगा क्या है। अरे हाँ यहाँ पे एंड में तो सबसे ज्यादा जायंट, सबसे बड़ा रेड बुल का कैन है, जिसने भी इसको पी लिया उसके पास तो तुम्हारी जितनी पावर आ जाएगी वो भी एक है ना ग्रैंड फादर काऊ बन जाएगा। हाय पुत्र जी बिल्कुल सही बोला, पर इस तक पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। देखो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे 3 में से एक रास्ते को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तुम जिस भी रास्ते पे जाओगे उस हिसाब से तुम आगे बढ़ पाओगे कि नहीं वो डिसाइड होगा, क्योंकि तीनों रास्ते दिखते तो एक जैसे पर है एकदम अलग अलग। उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और ये ट्यूब के ऊपर से निकल के एक बहुत ही ज्यादा ऊंचा काऊ का जंप करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से जंप करके यहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो तुम ये विंड मिल में फंस के कट जाओगे। अरे नहीं, विंड मिल के फंस के नहीं कटना, फिर उसके बाद पत्थर जी फिर देखो तुम्हें आगे जाना है और यहाँ पे तुम्हें फिसलते हुए स्लोप पे दौड़ना है, और तुम कोई भी
गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया। देखो गाइस फिर उसके बाद है ना हमको बर्फीले रोड पे दौड़ना, यहाँ पे हमारे पैर फिसलने के फुल चांस है। फिर उसके बाद गोल गोल घूमते हुए लकड़े से बचना है, ये वाले है ना आग लगी हुई बॉल से बचना है, फिर ये वापस लकड़े से बचना, और फिर ये कांच की दीवार तोड़ के हमें आगे जाना। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा बॉल है यार, ये भी है ना फायर माइन है, इससे भी बचना पड़ेगा भाई पुत्र जी। हाँ अगर ये लैंड माइन से मर गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर देखो तुम्हें यहाँ पे रैंप चढ़ के आगे जाना है, तो उसके बाद तुम्हें रास्ता चूज करना है कि तुम राइट से जाओगे, लेफ्ट से जाओगे, या बीच में से रिस्क लेके जाओगे। अरे बीच में से रिस्क लेके जाने वाले तो पागल हो गए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे आगे जाना है ये सारे इंसानों को अपने सींग मारने, और उसके बाद है ना यहाँ पे आगे जाना है पतले से लेज पे अपने आप को बैलेंस करना है, और फिर जो भी ये सारे ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर लेगा उसको यहाँ पे पहुँचने का मौका मिलेगा। भाई पत्थर जी बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे बड़े से रेडबुल के कैन पे, तो क्या है किसी में इतनी हिम्मत जो बड़ा सा रेडबुल का कैन पी सके? अरे हाँ मेरे में मैं जीतूंगा। भाई पत्थर जी कौन जीतेगा वो तो अभी टाइम ही बताएगा, सबसे पहले मेरी सबसे प्यारी भैंस जाएगी छोटी वाली मुंह। मैं परेशान हो गई हूँ, सब जन मुझे कमजोर बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहती हूँ माँ। इसके लिए देखो मैं जा रही हूँ, देखो मुझे सही रास्ता चूज करना है, सही मतलब राइट, इसके लिए मैं राइट रास्ता चूज करूंगी। ये देखो यहाँ पे जा रही हूँ माँ, यहाँ पे देखो अंदर जा रही हूँ। अरे ये क्या हुआ, मैं तो पिछल गई थी, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं था। अरे गाइस ये देखो यार यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये जॉइंट है पर ये जॉइंट नहीं है माँ, पर मैं तो फिर भी बच गई। चलो आगे चलती हूँ फुल स्पीड में माँ, फुल स्पीड में लेट्स गो। गाइस ये देखो माँ आगे तो जा रही है पर एक सेकंड इससे जब नहीं लगाया। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ पे से नीचे गिर गई और कट गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? अरे मेरी और मेरी बेटी के अलावा कोई भी रेडबुल की ड्रिंक को नहीं पी पाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा ट्रेंड बैल हूँ, मेरे पापा जी ने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये देखो मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये यहाँ पे से डरूंगा नहीं, ये देखो मैं तो एक जंप लगाऊंगा और यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। अरे गाइस ऐसा कैसा जंप लगाया इसने, देखो यार ये तो है ना इसके ऊपर चढ़ गया। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये चीटिंग कर रहा है। अरे कोई चीटिंग नहीं कर रहा, हम काउस के पास बहुत खतरनाक पावर होती है इंसान, तुझे पता नहीं है। ये देखो यार ये आगे जा रहा है, अभी देखते हैं जंप लगा पाता है कि नहीं। गाइस देखो मैं मेरे काऊ भाइयों के लिए कभी भी कुछ गलत चीट नहीं बोलूंगा, मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ कि सब जने ना चैलेंज जीत के आगे जाए। अरे फ्रैंकलिन ऐसा नहीं है, चैलेंज तो सिर्फ मैं जीत सकता हूँ। अरे गाइस देखो यार ये वाला जो काऊ बॉय है कितना खराब है। अरे फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर मैं जीत जाऊंगा। अरे एक सेकंड ये क्या हो रहा है, अरे मेरे तो पैर फिसल रहे यहाँ पे। अरे अरे बाबा रे, अरे ये लकड़े के उसमें फंस गया हूँ मैं तो, यहाँ बर्फ पे मुझे चलना नहीं पा रहा। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे गाइस ये देखो ये गोल गोल क्यों घूम रहा है। अरे क्या कर रहे हो काऊ भैया जाओ। अरे नहीं फ्रैंकलिन मेरे से तो ठंडे ठंडे पैर इस पे नहीं रखे जा रहे यार, मैं तो आउट हो गया, तुझे ही जीतना पड़ेगा ये कॉम्पिटिशन हमारे लिए। मैंने तो बोला ही था ना ये इंसान लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरी प्यारी बिटिया तुम जाओ यहाँ पे और तुम ये चीज कर पाओगी क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वो पूरा रेडबुल का कैन पी जाना और एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट काऊ बन जाओ तुम। पापा जी तुम चिंता मत करो, देखो भले मैं छोटा पैकेट हूँ पर बड़ा धमाका हूँ मैं भी। ये देखो मैं यहाँ पे जाऊंगी और देखो मैंने एक चीज सीख ली, ये देखो 1 2 3 गो। ये देखो मैं तो जंप करके डायरेक्ट दूसरे कंटेनर में आ गई हूँ, है मेरे जितना कोई स्मार्ट नहीं है ना। गाइस ये देखो यार ये छोटी सी काऊ गर्ल है, ये तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, इसके जंप भी कितने तगड़े तगड़े। और ये देखो ये आगे पहुंच गई, और देखो इसका जंप शॉर्ट पड़ रहा था तो इसने ना खुद का पैराशूट खोल के आगे चलेगी। पर गाइस ये देखो इतने बड़े बड़े हाई हील्स वाले शूज पहन के आई है, यहाँ पे बर्फ में चलने की इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो एकदम मास्टर एक्सपर्ट हूँ, बस मुझे टाइमिंग सही करनी है। अरे 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 ये देखो टाइमिंग सही कर ली मैंने, अभी लाल कलर की गेंद से बचना है मुझे, ये देखो इससे भी बचाऊंगी। ओए ओए नहीं 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 मुझे थोड़ी सी देर के लिए लग गई थी, ये कोई बात नहीं, पर चलो कोई बात नहीं आगे चलता। अरे 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 इसने मुझे बहुत परेशान किया, अब ये कांच के दरवाजे पे आ गई हूँ मैं, जिसको तोड़ के आगे पहुँच जाऊंगी। ये लो। अरे क्या हो गया ये तो टूट नहीं रहा, क्या करूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटी इसके ऊपर लात मार। अरे मैं लात तो मार रही हूँ, देखो टूट ही नहीं रहा, मेरी हाई हील्स टूट जाएगी यार, ऐसे नहीं कर सकता पापा जी, मेरे बूट खराब हो जाएंगे। अरे गाइस ये देखो ये लड़की को तो अपने जूते खराब नहीं करने, इसके लिए तो रिस्क ही नहीं ले रही है आगे जाने का। अरे बेटी तो इसके ऊपर से कूद के चली जा। अरे नहीं पापा जी मेरा तो बन भर गया, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से आगे, वैसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक बॉम्ब में डर गई। अरे बेटी नहीं तो मेरा नाम खराब कर दिया, क्या कर रही है। हाँ हाँ पूरी वीडियो मुझे परेशान करने के बाद बहुत ज्यादा बोला था तू ही जीतेगा तू ही जीतेगा, देख तू नहीं जीत पाया, तेरी बेटी तो डर के हार मान के चली गई, एक कांच की दीवार नहीं तोड़ी गई उससे, मेरे सिंगड़े देख रहा है इतने खतरनाक, ये घुसड़ के मारूंगा ना उसको, एक ही बार में पूरी कांच की दीवार टूट जाएगी। अरे फ्रैंकलिन भैया बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, मैं मेरी बेटी के रास्ते पे जाऊंगा और खुद को अपग्रेड करूंगा, फिर फ्रैंकलिन को बहुत मारूंगा और उसको बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है। अरे मैंने तुझे 2-3 बार तो हरा दिया, तू मुझे वापस से कैसे हराने के सपने देख सकता है। अरे मैं हराऊंगा तुझे फ्रैंकलिन हराऊंगा, ये
ब्रेक में कितनी आसानी से इतना आगे तक तो आ भी गया। अरे हाँ गाइस, देखो ये सही बोला, काफी आगे तक तो आ गया। और मैं मेरी बेटी की जो शटल पॉक नहीं हूँ और ना ही मैं है ही पहन के आया हूँ, मैं जीतूंगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ हार हार के। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया, ये बॉल ने तो मुझे नीचे गिरा दिया था ऑलमोस्ट। अरे गाइस देखा, बॉल ने ना ऑलमोस्ट इसको नीचे गिरा दिया था, फिर भी यार इसने हार नहीं मानी। यार ये तो रियल थ्रेट है, मुझे तो लगा था ये है ना हार मान जाएगा जल्दी से, पर ये तो हार नहीं मान रहा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये देखो मेरी बेटी ने इसको थोड़ा सा तोड़ा था, मैं इसको पूरा तोड़ दूंगा। अरे गाइस एक ही बार में टच करके इसने पूरा वो तोड़ दिया। अब ये सबसे खतरनाक ऑब्स्टिकल के सामने आ चुका है। ये वाला वो ऑब्स्टिकल है, मतलब जो माइंड गोल गोल घूम रहा है। अरे कुछ भी नहीं होगा, ये देख मैं आगे जा रहा हूँ, मैंने टाइमिंग परफेक्ट कर ली है। अरे नहीं, वो क्या हुआ, इसने मुझे मार दिया, मेरा जूता खराब हो गया। अरे नहीं, मैंने चप्पल मारा, मैं नीचे गिर गया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से हार गया। नो ओके गाइस, देखो मेरे सारे एनिमीज यहाँ से जा चुके हैं। दद्दू हल क्या आशीर्वाद दो, तुम्हारी फैमिली ज्वाइन करने के लिए आया था, अब मुझे मौका मिल रहा है तुम्हारे इतना स्ट्रॉन्ग बनने का। हाँ पुत्र जी, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है, जाओ तुम। ओके गाइस देखो यार, मुझे भी सही राह पे चलना है, इसके लिए मैं राइट वाला रास्ता चूज करूंगा और मैं यहाँ पे बिल्कुल चीटिंग नहीं करूंगा। ये देखो यहाँ पे जंप लगाया, अब देखो मैंने बहुत ज्यादा घमासान जंप लगाया, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। चलो अभी गाइस मुझे एक और जंप लगाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ये देखो ये आया, अरे बाप रे ये विंड मिल ने मुझे उड़ा दिया, पर अच्छा है मेरे पास ये पैराशूट था गाइस, मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। अभी देखो मैं पैराशूट से चीटिंग नहीं करूंगा गाइस, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए था। अरे इसने तो मुझे लकड़ी के वापे मार दिया, अरे बाप रे मेरे को सर पे लग रही है। ओके 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 चलो पीछे आ गया। चलो गाइस अब मैं आगे जाऊंगा और यहाँ पे से बचने की कोशिश करूंगा। हाँ अद बच गया, अभी देखो रेड कलर की गेंद से बचना, इसने है ना वो काउबॉय को पूरा ऑलमोस्ट बाहर फेंक दिया था। अरे बाप रे इतना पास से निकला था मेरे। चलो कोई बात नहीं यार गाइस, टाइमिंग अभी सही जा रही है, अब मुझे एक ही बार मैं ना ये है ना कांच की दीवार तोड़नी पड़ेगी जोर से। ये लो, अरे टूटी नहीं एक बार में, कोई बात नहीं, देख टूट गई। नहीं नहीं दूसरे अटैक की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, एक ही बार में टूट गई थी। गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस मुझे थोड़ी सी टाइमिंग करनी है यहाँ पे। हाँ हाँ घुसता हूँ ये वाले माइन से बचना पड़ेगा। अरे अरे पीछे। अरे थोड़ा सा लगा, बच गया। चलो, मैं तो गाइस बीच में से जाने का रिस्क नहीं लेने वाला, यहाँ साइड में से जाता हूँ ये वाले रास्ते से। और यहाँ पे ये वाला इंसान है, ये खा घुसा मेरा, तू भी खा मेरा घुसा। ये देखो ये आ गए। अरे क्या मेरे से बबाल करनी है तुमको, ये लो। अरे छोड़ो यार अभी मैं इन लोगों से इंसानों से क्या बबाल करूं, मुझे तो जाना है मेरा रेडबुल का कैन पीने। ये देखो गाइस एक बड़ा सा जंप लगाया और मैंने रिस्क लिया है, पर यहाँ पे पहुंच पाऊंगा क्या। अरे नहीं, ओ गाइस यार मैं रिस्क लेने के चक्कर में ऑलमोस्ट नीचे गिर गया था, पर ये देखो रेडबुल के कैन तक पहुंच गया हूं। जल्दी इसको पी लेता हूं। नम नम नम। ओ गाइस ये देखो ये कैन को पी लिया है और मैं बन चुका हूं मेरे ग्रैंडफादर काउ के जैसा, मतलब मेरे पास बुल की सा खतरनाक ताकत आ चुकी है और मैं बुल फैमिली का हेड बन चुका हूं। आई पत्थर जी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। गाइस तुम लोग भी मेरे प्राउड हो क्या, तो यार देखो जल्दी से तुम्हें एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में काउ की इमोजी डालनी, स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है वो देखना है। और यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्या कर रहे हो, और जो स्क्रीन पे आ रहा है वो वीडियो देख लो। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GTA 5 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।